Hello everyone, this is Sahil here and I am a first professional MBBS student from NRS Medical College, Kolkata. So अब तक जब भी मैं क्लास नोट्स अपना हैंड रिटन क्लास नोट दिया करता था तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता था और जब एक्सप्लेनेशन कर रहा होता तो मैं साइड पे यहाँ पे उस पेज को मैं दिखाता था, बट अब उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है सो दैट आप लोगों को समझने भी आसानी हो और पूरा नोट्स का एक ओवरव्यू पता चले। तो आज एक नया मेथड से हम लोग करने जा रहे हैं। टुडे आई विल प्रोवाइड यू विद द हैंड रिटन क्लास नोट्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स। सो लेट्स बिगिन विद दैट एंड आप अपना फीडबैक जरूर बताना कि ये वाला मेथड कैसा है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेव ऑप्टिक्स। और जैसे आप लोगों को पता है कि लाइट का दो नेचर होता है, एक आपका वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ पे किसके अंडर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक टॉपिक आता है और वहाँ पे हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब जैसे वेव नेचर ऑफ लाइट आता है सो यहाँ पे कुछ फिनोमेना है या फिर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी है। सपोज एक लाइट वेव इस तरफ जा रहा है और एक लाइट वेव इस तरफ जा रहा है। जैसे वेक्टर में हम सॉल्व करते हैं ना, एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में आता है। तो उसी तरह ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, अब वेव का जब इंटरफेरेंस होता है सो दो टाइप के हो गए, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग देखो कि बेसिक जो चीज़ है ना, जो सपोज ये एक लाइट वेव है, ये एक लाइट वेव है और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, ये है फेज डिफरेंस, हम मान के चल रहे फाई है। ठीक है, फाई अगर फेज डिफरेंस है तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आता है दैट इज सिमिलर वैसे ही आता है जैसे हम लोग वेक्टर में सॉल्व करते थे, अंडर रूट ऑफ a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 cos फाई। और यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो फाई है यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, या फिर इसको इक्वल टू करके 2π/t इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, आई इज इक्वल्स टू हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इंटेंसिटी का अगर इसको सॉल्व करें हम तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आता है i1 + i2 प्लस 2√(i1i2 cos फाई। फाई यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस है। अब आगे जाके ये सब काम आएगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया दो इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा यानी कि मैक्सिमम कब हो सकता है, जब cos फाई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाए, यानी कि ये जो cos फाई है इसका वैल्यू जब 1 हो जाए। और इसका वैल्यू कब 1 होगा, जब आइदर एंगल विल बी 0, 2π, 4π इसके वक्त, तब हमारे पास cos फाई का वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, अब जब सॉल्व करते हैं हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आता है, a1 + a2। कितना आता है, a1 + a2। और इंटेंसिटी क्या हो जाता है, √(i1 + √(i2) का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आया देखो, ये जो इंटेंसिटी है हम इंटेंसिटी को लिख सकते हैं क्या, इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये दिख रहा है ए स्क्वायर, सो हम बोल सकते हैं ना ए इज प्रोपोर्शनल टू √i। तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल ऐसे ही तो निकालते हैं ना। तो उसी तरह हम जब a1 और a2 का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे देन हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और अब देखो एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम a1 + a2 आ गया ना। अब इंटेंसिटी यहाँ पर भी cos फाई 1 बैठा दो, सो आई विल बी i1 + i2 प्लस 2√(i1i2)। सो ऐसा यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा, जब भी फाई का वैल्यू 0, 2π जैसे पहले भी बताया। और ये कब हो सकता है, जब हम ऐसे मान के चलते एक जनरल रूल बनाते हैं कि फाई अगर 2n π होता है देन इन दैट केस हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। अब फाई इज इक्वल्स टू 2n π है ना, तो 2n, अब n का वैल्यू हम यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। 0 बैठा देंगे तो फाई 0, तो cos फाई 1। अगर n का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो फाई इज 2π, cos फाई का वैल्यू 1 तब भी। ठीक है, और पाथ डिफरेंस क्या होगा, n लैम्डा। पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर हो जाए और फाई अगर, या फिर हम बोले फेज डिफरेंस 2n π हो जाए, तो इन दैट केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, इंटेंसिटी और जो एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम हो जाएगा। वहाँ पे a1 + a2 था, यहाँ पे a1 - a2 है। बेसिकली जो बड़ा होगा उससे हम घटा देंगे छोटे वाले से। ठीक है, और इंटेंसिटी आई मिनिमम क्या होगा, √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। और कंडीशन हम यहाँ पर भी वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें cos फाई का वैल्यू अगर -1 हो जाए कैसे भी करके, तब हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू कॉस फाइव कब ऑन हो सकता, -1 हो सकता है जब फाइव का वैल्यू पाई हो, 3 पाई हो, और इसको हम जनरल फॉर्मूला में फाइव ऐसे लिख सकते हैं और डेल्टा एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है आई मैक्स बाय आई मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। बहुत बार ये पूछा जा चुका है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये तो अभी किए ना, मैक्सिमम कितना था, अभी पिछला वाला पेज में देखो यहाँ पे आई मैक्स था कि नहीं, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, उसी को तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ऐसे करके लिखा गया है, आई मैक्स को अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम को अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम लोग ऐसे करके बिठाकर देख सकते हैं। अब यही चीज को जब हम लोग एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। मैं एक बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एक ब्रीफ आइडिया ऑफ दिस नोट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ है जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ, अब ये क्या चीज़ है कि जनरली हमारे पास क्या होता है, लाइट एक एयर मीडियम हम एयर मान के चलते हैं, लेकिन अगर एयर ना हो के अगर कोई और मीडियम होता तो इन दैट केस जो लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, जो जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ या इफेक्टिव पाथ लेंथ जो होगा, दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इफेक्टिव पाथ लेंथ विल बी म्यू एल। और इसी बेस्ड अगर एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि फाइंड पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स एज गिवन, पाथ डिफरेंस यानी कि दोनों वेव का जो इफेक्टिव लेंथ को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो बड़े में से छोटे को घटाना है। यहाँ पे μ1 ज़्यादा दिया गया है तो ये μ1 यानी कि इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा μ1L1 और इसका μ2L2, सो हम दोनों को घटा देंगे μ1L, μ1 को क्यों आगे लिख रहे हैं, क्योंकि μ1 बड़ा है, सो μ1L माइनस μ2L, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है, दैट इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर साल करीब एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, अगर किसी साल नहीं दिया तो शायद एग्जामिनर वो क्वेश्चन डालने में भूल गया होगा, बट ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से पूछा जाता है। ये चैप्टर में ये बहुत ही एक YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर डिफ्रैक्शन, ये दोनों चीज़ से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्योंकि ये क्लास नोट्स है तो यहाँ पे आपको कुछ डेरिवेशंस भी देखने को मिलेंगे। अब डेरिवेशंस को यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा डेरिवेशंस को मत देखिएगा, बेसिक यूनिट को हम लोग देख लेते हैं। 2 स्लिट होगा S1 S2 और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा d, और ये कितना डिस्टेंस में एक स्क्रीन रखा गया है, दिस इज अ स्क्रीन, और ये कितना डिस्टेंस रखा है कैपिटल D, ये स्मॉल d दोनों स्लिट का बीच का डिफरेंस, और कैपिटल D स्क्रीन और सोर्स का डिफरेंस। ठीक है, ये स्क्रीन हो गया, ये सोर्स का डिफरेंस, और ये जो y होगा यानी कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बनेगा या फिर जो लाइट और डार्क लाइन जो बनेगा वो y डिस्टेंस है, जो सेंटर से y डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, अब जो पाथ डिफरेंस ये कैलकुलेशन से हमें निकाल के आता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू y स्मॉल d बाई कैपिटल D। इंटरफेरेंस हम कंडीशंस निकाले थे कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है, और डेल्टा x की जगह हम क्या बैठाएंगे YD बाई D, y स्मॉल d बाई d, और y को अगर एक साइड रख देंगे n लैम्डा और ये d इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा ना, सो y विल बी n लैम्डा d बाई d, और ये n है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, यानी कि फ्रिंज पैटर्न जो हमें मिलता है एक लाइट और डार्क बैंड का एक ऑल्टरनेट पैटर्न बनता है, दैट इज द फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन आ चुका है, और यहाँ पे n का वैल्यू 0 यानी कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा, यानी कि y n विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे आया, मतलब इसका मतलब क्या है, यानी कि जो सेंट्रल ब्राइट होगा वो इस पर होगा, और जो फर्स्ट ब्राइट यानी कि सेंटर से फर्स्ट ब्राइट इधर एक बनेगा और इधर भी बनेगा ना, तो जो फर्स्ट ब्राइट होगा दैट विल बी n का वैल्यू, जब हम 1 बैठाएंगे n का वैल्यू 2 यानी कि सेकंड ब्राइट, और ये अपर में अगर +1 बैठाएंगे अपर और -1 बैठाएंगे तो लोअर, ऐसे करके आ जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन क्या था, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते थे, यहाँ पे -1 इसीलिए लिए हैं ताकि ऑर्डर ऑफ फ्रिंज हमें n का वैल्यू से डायरेक्ट मिल जाए। अगर एक लाइट और डार्क फ्रिंज का ऑल्टरनेट पैटर्न बनते हैं उसी को हम लोग फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। सो अगर यहाँ पे -1 लेंगे ना तो n का वैल्यू 1 बैठाएंगे, सो इन दैट केस हमें ऊपर से जो पहला डार्क, n का वैल्यू 1 बैठाने से पहला डार्क आएगा, क्योंकि जनरली कैलकुलेशन ऊपर से किया जाता है तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए सपोज ये एक स्क्रीन हम अगर मान के चले तो सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बन रहा होगा, फर्स्ट ब्राइट पहला एक सेंट्रल ब्राइट है, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो पहला जो ब्राइट होगा वो n = 1 पे आएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, फ्रिंज विथ क्या होता है। फ्रिंज विथ यानी कि दो ब्राइट फ्रिंज का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा। अगर बात करें एक हाफ ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर हाफ ब्राइट, ओवरऑल एक ब्राइट प्लस एक डार्क जो फ्रिंज होगा उसको हम जोड़ के बोलेंगे फ्रिंज विथ कह देंगे। उसका सिंबल क्या होता है, बीटा। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, λd/d। इसको हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये फ्रिंज विथ का भी फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ कुछ जगह पे देखोगे आप थोड़ा काटा हुआ होगा, या फिर क्योंकि हमें ये क्लास में डायरेक्ट सॉल्व करने होते थे तो हमें बहुत अच्छे रिवाइज भी नहीं होता है, फर्स्ट टाइम पढ़े हुए होते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे काटा हुआ मिलेगा, बट इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं जाता है। जब प्रैक्टिस हो जाता है ये बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इंटेंसिटी वेरिएशन इन YDSE, जो YDSE में इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे होता है, I = 4I0 cos² π/2। ऐसे हम निकाल सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फेज डिफरेंस पे हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 4I0 होता है, अब ये कैसे आता है आगे हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और मिनिमम होता है 0, ठीक है। अब मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पे होता है। ब्राइट फ्रिंज होता है ना, ब्राइट फ्रिंज मान लो अब सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब इन दोनों के बीच के ये इसको सेंटर मान लेते हैं, तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दिखेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके कि ये जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज था वो हम बोल रहे हैं कि 4I0 ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। फिर डार्क पे 0, फिर यहाँ पे ब्राइट बनेगा, एक ब्राइट फ्रिंज होगा तो 4I0 और मैक्सिमम हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो जो सेंटर जो ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज का भी जो सेंटर वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। तो ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से जब ऊपर या नीचे जाते हैं तो इंटेंसिटी घटता है, यही यहाँ पे लिखा है। और डार्क फ्रिंज का सेंटर से जब ऊपर या नीचे जाते हैं तो जो इंटेंसिटी बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब सपोज पहला जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम एयर को मीडियम मान के चल रहे थे, लेकिन अगर मीडियम ही बदल दिया जाए तो इन दैट केस जो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा λ/μ से रिप्लेस कर देंगे, और बीटा यानी कि फ्रिंज विथ का वैल्यू हो जाएगा β/μ से हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सिर्फ वाइट लाइट सोर्स लिया जाता है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज, सपोज ये एक स्लिट S1 था, ये एक स्लिट S1 है और ये एक स्लिट S2 है, ठीक है। अब S1 या फिर S2 कहीं पर भी एक, अगर सपोज हम S1 पे लगाते हैं एक और एक कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऐसा कुछ चीज़ जहाँ से लाइट तो पास हो सकता है, एक काइंड ऑफ ग्लास, कुछ भी प्रिज्म टाइप का सॉर्ट ऑफ कुछ भी हम रख दें और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ हो और थिकनेस t हो, सो इन दैट केस जो पाथ डिफरेंस होता है वो yd/d - μ1 - t आता है। और ऐसे वैल्यू हम जब रिप्लेस करते हैं तो हम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, आप कैलकुलेशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग करके देख सकते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। और अगर हम बोले कि सेंट्रल फ्रिंज अगर n = 0 पे आता है, इन दैट केस जो n डिस्टेंस जो हो जाएगा μ - 1 td/d होता है, हो जाएगा। लेकिन जो जनरली क्या होता था, जो अगर सेंट्रल फ्रिंज बनता था वो सेंटर पे ही बनता था, यानी कि y = 0 पे बनता था। लेकिन ये शिफ्ट हो चुका है फ्रिंज, एक ग्लास प्रिज्म या फिर कोई भी हमें ग्लास का कोई सामान ऐसा जिससे लाइट तो पास हो सकता है, वैसा अगर कुछ चीज़ रख देंगे इन दैट केस हमारा जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है। और नंबर ऑफ फ्रिंज कितने शिफ्ट होंगे μ - 1 t/λ, इसको भी आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया, आप उसको करें। और उसके बाद एक फिनोमेना आप यहाँ पे समझे, एक बनता है ना डार्क, एक ब्राइट, ये बनता कैसे है। बेसिकली जो इंटरफेरेंस होता है दैट इज बेसिकली एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। क्योंकि दो स्लाइड है तो दो स्लाइड, एक मान लो ये दो स्लाइड है तो यहाँ से अगर इंटेंसिटी I1 है, यहाँ से भी I1 है या फिर I0 मान के चलते हैं, दोनों मिलके यहाँ पे 2I0 हो जाता है। तो डार्क पे जितना आता है ब्राइट पे उतना आएगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण ये 2I शिफ्ट हो जाता है ऊपर, यानी कि उससे ब्राइट बन जाता है, तो नेट इंटेंसिटी 4I0 हो जाता है और यहाँ पे 0 रह जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप समझ सकती है चीज़ को। बस आगे और भी चीज विजिबिलिटी दिया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखें, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन ये दो चीज़ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर चले कि एंगुलर फ्रिंज विथ होता क्या है, कि जनरली क्या होता है ना कि बहुत माइन्यूट एंगल बनता है जहाँ पे जो फ्रिंज जो दिखते हैं और जो सेंट्रल ऑफ जो सोर्स है वहाँ से जो एंगल बनता है ना बहुत माइन्यूट बनता है। तो इसीलिए हम एक पढ़े होंगे आर एस बराबर आर थीटा, एक फॉर्मूला आता है, वो एक बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करके एक्सप्लेन किया गया है। तो डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस, इट इज़ इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो y बाई कैपिटल डी के जगह हम लिख सकते हैं, y बाई कैपिटल डी के जगह ये थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, तो उसी से हम रिप्लेस करके d साइन थीटा आता है। और फिर जो मैक्सिमा मिनिमा का जो फॉर्मूला वो चेंज होकर अब ऐसा बन जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दो चीज़ फिर से आपको ध्यान रखना है। और एंगुलर फ्रिंज विथ भी ध्यान रखना है, यानी कि बेसिकली जो कैपिटल डी था वो सब फॉर्मूला से हट जाएगा। ठीक है, अब फेस चेंज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में ऐसा फॉर्मूला आता है, ये चीज़ डायरेक्ट याद रखना है। कुछ कुछ चीज़ें होते हैं हमें डायरेक्ट याद ही रखना होता है और उसी हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पूछ सकते हैं आपसे। अब इसके आगे कुछ थ्योरीज हैं, एक कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है, वेव थ्योरी है, इसका थ्योरी वाला पोर्शन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वेव थ्योरी में जो हाइजेन दिया था वो कहता है कि वेव फ्रंट के फॉर्म में वेव ट्रैवल करता है, सो अब जो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता है वो ऐसे कुछ दिखता है। अगर हम बात करेंगे लाइन सोर्स का तो ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप के दिखते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ऐसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ऐसा आता है। अब वो कैसे समझे, ये एक ट्रिक है यहाँ पे कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये पॉइंट सोर्स मान लिया होता तो उससे हमारे जो लाइट सोर्स ऐसे जा रहा होता। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद इसका एक स्ट्रेट वाइज एक लाइन खींच, एक पॉइंट पकड़ लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पॉइंट है तो ये कुछ ऐसे ही देखो, इस पॉइंट से एक लाइन, अगर लाइन हम ड्रॉ करें तो एक रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ से ऐसे, और जो रिफ्लेक्टेड वाला जो चीज़ है उसको हम पीछे एक्सटेंड कर दें। ऐसे पीछे एक्सटेंड करने के बाद इसको हम फिर पॉइंट मान लेते हैं और ऐसे यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, इसका जो पॉइंट सोर्स अब ये होगा, इसका जो पॉइंट सोर्स ये होगा, इससे ऐसे ऐसे वेव्स अब आएंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड वेव्स ऐसे आने लगेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकते हैं, ये चीज़ आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें डिफ्रैक्शन, ये फिर और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब डिफ्रैक्शन को हम YDSE से हम कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन को हम YDSE से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये फॉर्मूला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमा में क्या होता है और मैक्सिमा में क्या होता है, मिनिमा में n लैम्डा बाई ए, लेकिन वो इंटरफेरेंस में क्या होता था, n लैम्डा बाई डी एंगुलर वाला होता था। ठीक है, एंगुलर वाला फॉर्मूला का हम कंपेयर करेंगे, n लैम्डा बाई डी होता था, और जो नॉर्मल वाला था n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता था। ऐसे कंपेयर करके हम करेंगे। और जो यहाँ पे साइन थीटा यानी कि मिनिमा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये मिनिमा में n लैम्डा बाई ए हो जाएगा, और वहाँ पे मैक्सिमा में फॉर्मूला था n लैम्डा बाई डी। ठीक है, और ए जो है यहाँ पे एक ही स्लिट है, तो यहाँ पे ए स्लिट का विड्थ होगा और ये स्क्रीन है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमा में n लैम्डा बाई ए था, वहाँ पे मैक्सिमा में n लैम्डा बाई डी था। इसको ऐसे करके आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे सक्सेसिव जो, अगर ये मान लो सेंटर है, और सक्सेसिव जितना हम पॉइंट जाते जाएंगे तो जो इंटेंसिटी ऑफ जो ब्राइट वाला चीज़ होगा, ब्राइट का इंटेंसिटी, ब्राइटनेस का इंटेंसिटी घटते जाएगा, और वहाँ पे ब्राइट का इंटेंसिटी हर एक जगह सेम रहता था। ठीक है, अब उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन है, अब उसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सर्कुलर एपर्चर होता है कहीं पर, अगर सर्कुलर एपर्चर डी अगर डायमीटर होता है तो साइन थीटा एंगुलर विड्थ हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसको आप याद रख सकते हैं। फिर आगे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो रिवीजन वाला चीज़ है सो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको एक बार चैप्टर ऑलरेडी हो चुका, अगर आप एक बार ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हैं तो अभी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है एंड रिजॉल्विंग पावर है, हम यहाँ पे दो चीज़ के पढ़ेंगे, एक तो टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप। अब टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला ऐसा दिखता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन विल बी 1.22 लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे देख सकते हैं, थ्योरी पोर्शन में लिखा हुआ होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। और माइक्रोस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1.22 लैम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा, और रिजॉल्विंग पावर इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको कर लीजिएगा। फिर आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज पोलराइजेशन। तो इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीएसई हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है। अब पोलराइजेशन में कैसे क्या समझते हैं, यहाँ पे लाइट एक ट्रैवल जब करता है तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये तीनों ही यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट का प्रोपगेशन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। अब जो अनपोलराइज लाइट हो, सपोज दिस यहाँ पे लाइट ऐसे आ रहा होगा, यानी कि पॉइंट अगर ऐसा है ना तो लाइट मान लो बाहर आपके तरफ पेपर से बाहर आ रहा होगा, सो इन दैट केस एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अब आगे जो इक्वली दो कंपोनेंट पे ये इंटेंसिटी डिवाइड हो जाता है जब लाइट ट्रेवल करता है, I0/2 I0/2, और ये इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हैं। और ये जो लॉ ऑफ मेलस है कि इंटेंसिटी जब एक बार पोलरॉइड से पास हो जाता है तो कितना हो जाता है, I0/2 cos² थीटा। यही मेन फॉर्मूला है इस कॉन्सेप्ट का जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0/2 cos² थीटा हो जाता है, और थीटा इज बेसिकली द एंगल, या फिर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आगे आप देखेंगे ना समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, सपोज यहाँ पे I0/2 एक इंटेंसिटी यहाँ पे हुआ करता था, और जो एक पास एक्सिस से पास हो गया तो एक ही कंपोनेंट बचा, और ये जो बाहर वाला जो कंपोनेंट था दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया था ना इंटेंसिटी, I0/2 I0/2 करके, तो ये I0/2 एक रह जाएगा, और एक तो पास एक्सिस जो था पास हो गया, लेकिन जो और एक चीज था जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है यानी कि जो बाहर आ रहा होगा वो वाला यहाँ पे डिमिनिश हो चुका है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा I0/2 cos²α, और बेसिकली पास एक्सिस और जो और एक दूसरा पास एक्सिस होगा उसका एंगल है, ठीक है। यही मेन कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आगे हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थियोरिटिकल वाला कॉन्सेप्ट है, उतना ज़्यादा नहीं पूछता बट फिर भी आपको पढ़ना है। और वैलिडिटी कब तक होता है ये वाला चीज़ आप देख सकते हैं, एक बार बस रीड कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। सो बस फिलहाल यही चीज़ है इस चैप्टर में जो ओवरऑल मैंने आपको बताया है, एक ब्रीफ आइडिया दिया है। आप नोट्स का लिंक PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पूरे चीज़ को एक बार देखिए, आप इससे क्वेश्चंस कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।